हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आशा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने डेटा को देखा था कि आखिर डेटा क्या होता है और डेटा हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो अब जो है हमें देखना है कि एक्चुअली डेटा को जो है हम लोग किस किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए क्योंकि आप होता क्या है, क्योंकि डेटा कलेक्शन के हमारे कुछ ना कुछ मोटो होता है। ठीक है, डेटा हम लोग इसलिए कलेक्ट करते हैं कि हमारा कुछ ऑब्जेक्टिव होता है, हम कुछ प्लानिंग करते हैं। अब चूंकि जब हमने डेटा को कलेक्ट कर लिया तो आप मुझे खुद बताइए कि डेटा को हमें क्या करना पड़ेगा, एक ओवरव्यू तो करना पड़ेगा ना, जो कि उसे अच्छे से देखना पड़ेगा। अब आपके पास बहुत सारे डेटाज होंगे, जैसे मैं कहता हूं कि आपके पास मान लीजिए कि 1,000 नहीं, आपके पास कितने हो गए, 1,00,000 डेटा हो गए। ठीक है, तो आप मुझे बताइए आपके पास यदि 1,00,000 डेटा है तो 1,00,000 डेटा को भी आप इस तरीके से एक ही व्यू में देख पाएंगे क्या कि आपके लिए किस तरीके से वहां पे प्लान करना है, आपका फाइनल डिसाइड क्या करना है, वो ऐसे नहीं देख सकते। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसको अरेंज करते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम लोग डेटा को क्या करते हैं, सबसे पहले अरेंज करते हैं, और ये जो है इसी अरेंज को हम लोग कहते हैं रिप्रेजेंट करना। ठीक है, अरेंजमेंट को कहते हैं रिप्रेजेंट करना, और डेटा को जो है हम लोग तीन पार्ट में रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहला इंडिविजुअल सीरीज होता है, उसके बाद अनग्रुप डेटा होता है, और फिर ग्रुप डेटा होता है। ठीक है, तो आखिरकार हम लोग देखेंगे कि डेटा को हम इन तीनों सीरीज के अंदर कैसे किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए एक बात यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे जो हमारे रॉ डेटा होते हैं, ठीक है, हमारे पास जो रॉ डेटा है ये ऑलरेडी किस चीज में होता है, हमारे इंडिविजुअल सीरीज में होता है। जैसे मैंने जो है क्लास के स्टूडेंट से, सारे स्टूडेंट से मैंने क्या बोला था कि हाँ बेटे आप बताओ कि आपके कितने नंबर हैं, और एक सीरियल वाइज करके हमने सारे स्टूडेंट से उसके मार्क्स पूछना शुरू कर दिया था। तो किसी ने मुझे क्या बताया था कि 15 है, किसी को 20 है, किसी को अगेन 15 है, किसी को 12 है, किसी को 14 है, किसी को 15 है मान लिया मैंने, और किसी को 16 है, और इस तरीके से किसी को 15, अगेन 20, और 12, 14, और 12, और मान लो 10, और ये 7 है, और ये 5 है, 7 है, और ये 5 है, और मान लो 0 भी आया, किसी को 4 भी आया, ठीक है, और ये 5 भी आया, और 14 आया, और 9 आया, और 7 आया। मान लिया टोटल कितने स्टूडेंट हो गए, 2, 4, 6, 7 और 7 रिजल्ट। टोटल हमारे पास कितने स्टूडेंट हो गए बताइए मुझे, यहाँ पे है हमारे पास टोटल 21 स्टूडेंट। ठीक है, 21 स्टूडेंट्स के जो है वो नंबर यहाँ पे लिखे गए। तो यही पूरे के पूरे डेटा को जो है हम लोग कहते हैं कि ये डेटा अभी किस चीज में है, इंडिविजुअल सीरीज में है। क्योंकि इंडिविजुअल का जो हिंदी मीनिंग होता है, ये हिंदी मीनिंग इसका होता है व्यक्तिगत। ठीक है, इसका हिंदी मीनिंग होता है व्यक्तिगत, और व्यक्तिगत मतलब होता है कि आपके पर्सनल लेवल पे। ठीक है, तो आपसे पूछ के ये डेटा को लिखा गया है, इसलिए हम लोग कहते हैं इस डेटा को कि ये किस चीज में अरेंज किया हुआ है, इंडिविजुअल सीरीज में अरेंज किया हुआ है। अब इसी डेटा को मुझे अनग्रुप डेटा में यदि अरेंज करना होगा तो मैं कैसे करूंगा। देखिए जैसे इसी डेटा को यदि मुझे अनग्रुप डेटा में अरेंज करना पड़ेगा, तो अनग्रुप डेटा में अब मैं इसको और सॉर्टलाइज करता हूं, मतलब इस डेटा को थोड़ा सा और सॉर्टलाइज करने के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, क्योंकि ये किस चीज का वैल्यू है आप मुझे बताइए, ये चूंकि ये किस चीज का वैल्यू है तो अंक के वैल्यू है। ठीक है, अंक मैंने यहाँ पे लिख दिया, या फिर मैं इसके जगह पे कह सकता हूँ कि ये रिजल्ट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए मुझे, मार्क्स हो जाएगा, और यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, नंबर ऑफ स्टूडेंट लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, आराम से लिख सकते हैं, इसमें तो कोई मुझे दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से मैंने यदि इसी डेटा को बताओ लिख दिया, और मार्क्स में मैंने क्या क्या लिख दिया, एक बात बताओ सबसे कम कितने मार्क्स हैं, 0, उसके बाद कितने मार्क्स हैं बताइए मुझे, 4, अगेन मेरे पास कितने वेरिएंट है, 5, अगेन मेरे पास 7, फिर 9, फिर
16 और इस तरीके से फिर क्या है 12 और इस तरीके से मैं सारे वेरिएबल को लिख दूंगा, ठीक है। क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है तो आप इस चीज को बस समझ जाइए कि आखिर मैं इस तरीके के डेटा को अनग्रुप डेटा में कैसे अरेंज कर पाऊं। तो सारे मार्क्स को मैंने लिख दिया है। अब मुझे बताइए कि 0 ऑब्टेन करने वाले टोटल कितने स्टूडेंट है, तो एक स्टूडेंट है, ठीक है भाई। 4 नंबर मार्क्स ऑब्टेन करने वाले टोटल कितने स्टूडेंट है हमारे पास, एक। अगेन 5 मार्क्स ऑब्टेन करने वाले टू स्टूडेंट्स है, तो 2 हो गया। और यहाँ पे 7 मार्क्स स्कोर करने वाले टोटल स्टूडेंट्स की जो नंबर है वो 1, 2, 3 स्टूडेंट्स हैं जो जिन्होंने क्या किया है 7 मार्क्स स्कोर किया है। 9 कितने किया है बताइए आप मुझे, सिंगल स्टूडेंट है क्या, हाँ एक ही स्टूडेंट है जिन्होंने 1 मार्क्स अचीव किया है। अब उसके बाद 10 मार्क्स 1 और अगेन और कहीं पर नहीं है, सिंगल 1 है। उसके बाद 12 कितने स्टूडेंट है, 1, 2, 3 वनली स्टूडेंट है जिन्होंने क्या किया है 3 मार्क्स ऑब्टेन किया है। तो इस तरीके से हम लोग आराम से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं बताइए, आपको एरो देने की कोई जरूरत नहीं है। वनली वन इसके बीच में क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस तरीके से लाइन हो जाएगा और ये हमने इसी सेम डेटा को किस चीज में अरेंज कर लिया मुझे बताइए। तो ये हो गया हमारा अनग्रुप डेटा। चूंकि अनग्रुप्ड इसलिए कहते हैं कि ये ग्रुप में नहीं है, आखिर ग्रुप में क्या होता है वो अभी हम लोग देखे देंगे आगे। तो अनग्रुप डेटा हो गया। अब इसी को नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हम लोग कहते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इसको हम लोग नाम देते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है, इसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और इसी को हम लोग किस चीज से इंडिकेट करते हैं, एफ से। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि नंबर ऑफ रिपीटिंग, ठीक है, मतलब जितनी टाइम्स, जैसे 15 इस पूरे डेटा के अंदर कितनी टाइम्स रिपीट हुआ है, तो बताइए 2 टाइम्स रिपीट हुआ है। तो इसको हम लोग जितने टाइम्स जो नंबर रिपीट होता है उसी नंबर का वो फ्रीक्वेंसी कहलाता है। तो यहाँ पे जो है 0 को कितनी बार रिपीट हुआ है इस पूरे ओवरऑल डेटा के अंदर, तो सिंगल टाइम रिपीट हुआ है तो 1। इस तरीके से देखिए हमने क्या कर लिया, इस पूरे डेटा को यहाँ पे सर्टलाइज करके इसने आराम से देख लिया। अब इसमें मुझे यदि देखना हो कि टोटल 0 नंबर लाने वाले कितने स्टूडेंट है, तो एक ही स्टूडेंट है, हाँ। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको 0 नंबर लाने वाले स्टूडेंट्स को यहाँ पे काउंट करना होता तो यहाँ पे आपके लिए थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल ये हो जाता कि आपको इसमें ढूंढना पड़ता, या आप इसी जगह पे बताइए कि आपके पास बहुत सारा डेटा होता तो इसमें क्या करना पड़ता, फिर आपको ढूंढना पड़ता। तो इससे हम लोग क्या करते हैं, कहीं ना कहीं अपने पूरे वर्क लोड को कम करने के लिए डेटा को अलग अलग तरीके से हम लोग अरेंज करते हैं। और इसी पूरे तरीके से अरेंजमेंट को हम लोग करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, जिसको 3 भागों में हमने रिप्रेजेंट करने के लिए अभी देखना है, ठीक है। चलिए अनग्रुप डेटा में तो हमने देख लिया, देखिए ग्रुप में क्या होता है, इसको और आप सर्टलाइज करके कैसे लिख सकते हैं आप मुझे खुद बताइए। तो हम लोग एक काम कर सकते हैं कि यहाँ पे क्लास बना सकते हैं। क्लास कहने का मतलब है कि मैं खुद कहूंगा कि अब मैं ऐसे नहीं कहूंगा कि 0 नंबर लाने वाले टोटल कितने स्टूडेंट हैं, तो अब मैं डायरेक्ट ये कह दूंगा कि हाँ एक बात बताओ 0 से लेके 5, ठीक है, 0 से लेके 5 नंबर लाने वाले टोटल कितने स्टूडेंट हैं। तो अब मैंने यहाँ पे लिख दिया 0 से 5 और यहाँ पे लिख दिया 5 to 10 और यहाँ पे लिख दिया 10 to 15 और 15 to 20 और मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं हमारे पास 20 तक है। इसमें देखा जाए तो मेरे को सारा का सारा जो है वो कहीं ना कहीं कवर हो जाएगा। मतलब मुझे क्या करना है, एक स्टैंडर्ड चूज करना है कि 15 टू 20 के बीच, ठीक है, स्टैंडर्ड मुझे क्या चूज करना है कि 15 टू 20 के बीच आखिर मुझे देखना है कि मेरे क्लास के कितने ऐसे स्टूडेंट है जो 15 टू 20 के बीच स्कोर किया है मार्क्स को, ताकि मुझे लगे कि हाँ हमारा ओवरऑल क्लास का परफॉर्मेंस जो है वो बहुत अच्छा जा रहा है, ठीक है। तो चलिए इसकी अब आगे मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी लिखनी पड़ेगी, क्योंकि 0 to 5 के बीच आने वाले टोटल कितने डेटा है, तो जितने डेटा है वो जितनी बार आया हुआ है उसी को तो उस डेटा का फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो वहां पे मैंने क्या लिख दिया, फ्रीक्वेंसी। अब 0 to 5 देखिए यहाँ पे लिखने का मतलब एक बार आप लोग बहुत अच्छे से समझ लीजिए। जब कभी भी हम लोग जैसे ग्रुप बनाते हैं और ग्रुप में इसमें होता क्या है, चूंकि इस चीज की डिस्कशन अभी हम लोग आगे करेंगे, बसंत यहाँ पे क्या है कि किस तरीके से हम लोग डेटा को अरेंज करके लिखते हैं, सिर्फ मैं अभी उतना बता रहा हूँ। देखिए इस क्लास में अभी आप यदि अच्छे से देखेंगे तो इसमें आपको 2 वैल्यू दिखेगी और बीच में डैश है। तो 0 to 5 कहने का मतलब है, ठीक है, यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ, यहाँ पे 0 to 5 कहने का मतलब है, इसमें देखिए इसको हमने क्लास बोला, क्लास बोले तो हिंदी में इसको कहते हैं वर्ग, और ये क्लास का होता है लोअर लिमिट, इसको हम लोग कहते हैं
लोअर लिमिट, ये क्लास का लोअर लिमिट है और ये है अपर लिमिट। ठीक है, ये लोअर लिमिट है और ये क्या है बताइए मुझे आप, अपर लिमिट है। ठीक है, लोअर लिमिट ये है, अपर लिमिट ये है। तो इस पूरे क्लास कहने का मतलब है यहाँ पे अपर लिमिट और इसका लोअर लिमिट दोनों क्या हो रहा है, मैच हो रहा है, यहाँ पे मैच हो रहा है, यहाँ पे मैच हो रहा है। तो इस तरीके से जब भी कभी भी क्लास होता है तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जीरो से लेकर चार तक की वैल्यू को ही इस क्लास के अंदर हम लोग रखते हैं, पांच तक की वैल्यू को नहीं लेते। अब अगेन मुझे पांच की वैल्यू को कहाँ पे लेना पड़ेगा, पांच से दस के बीच में, फाइव टू टेन के बीच का जो डेटा इसके अंदर आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे टेन तक नहीं आएगा, कहाँ तक आएगा, सिर्फ नाइन तक। अगेन देखिए आप मुझे यहाँ पे टेन टू फिफ्टीन है तो टेन तो इसके अंदर आएगा लेकिन फिफ्टीन तक नहीं आएगा, कहाँ तक आएगा, सिर्फ फोर्टीन। अगेन यहाँ पे 15 तो आ जाएगा लेकिन 20 तक नहीं आएगा, सिर्फ 19 तक आएगा। तो आप मुझे खुद बताइए इसमें 20 तक का डेटा कवर हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। और जबकि इसमें 20 मार्क्स ऑब्टेन करने वाले भी स्टूडेंट हैं, तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक और अलग से ग्रुप जो है एक बढ़ा के लिखना पड़ेगा 20 to 25। अब क्या होगा कि 20 से लेके 24 तक के डेटा इसके अंदर जो है वो कवर हो जाएंगे और मेरे पास मैक्सिमम डेटा कितने हैं बताइए मुझे, 20 ही है। तो इसलिए मैं इस तरीके से इस क्लास को आराम से लिख सकता हूँ। अब मुझे फाइंड आउट करना है कि 0 to 5 के अंदर कौन कौन से आएंगे, आप बताइए 0 to 5 के अंदर कहाँ तक के डेटा आएंगे, 4 तक के। ठीक है, तो 4 तक के डेटा कौन कौन से है, तो 0 भी है, 0 भी है और उसके अलावा सिर्फ क्या है, 1 9 4 आया हुआ है। तो 0 और 4, ठीक है, 0 और 4 दो ऐसे डेटा हैं जो 0 to 5 के बीच में आएगा। अगेन अब मुझे किसका देखना है, मुझे बताइए, अब मुझे देखना है 5 to 10, तो 5 से लेके 9 तक, तो 5 1 2 3, ठीक है, 3 3, और इसको तो मैंने ऑलरेडी ले लिया तो अब मुझे इसको तो लेना नहीं है क्योंकि अब मैं 5 से 10 तक के डेटा को देख रहा हूँ ना, तो 5 टू 10 तक के डेटा में तो इसको लेना नहीं है। तो 1 2 3 4 और उसके बाद देखिए 5, ठीक है, 5 6 7 7 7 और 7 7, टोटल ऐसे नंबर हैं जो इसके बीच में आएगा, 7 हो गया। अब 10 to 15 मतलब 10 से लेके 14 तक का, तो 10 से 14 देखिए, 10 से तो 10 1 2 3 4 14 तक का, 4 4 4 के बाद आप मुझे बताइए 5 6 6 6, इसका क्यों कम चुका है मेरे पास 6। अब 15 टू 20 में कहां से कहां तक का, 15 से लेके 19 तक का, तो 1 2 2 3 4 4 5 5 5 5 5 टोटल ऐसे डेटा है जो किसमें जाने वाला है मुझे बताइए आप, जो है वो 15 टू 20। अब 20 टू 25 में 20 से लेके 24 तक का, तो 21 2, सिर्फ 2 ही ऐसे डेटा हैं जो किसके अंदर जानेंगे 22 25। अब यहाँ पे हो गया हमारे पास 2 7 9 6 15 5 20 20 और 22। तो देखिए इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे टोटल जो स्टूडेंट हैं वो कितने हैं, 22 है। और यहाँ पे भी यदि आप काउंट करेंगे तो यहाँ पे जो है हमारे पास टोटल कितने स्टूडेंट हो रहे हैं, 20 हो रहे हैं, 21 स्टूडेंट नहीं हो रहे हैं। तो इस तरीके से हमारे पास क्या हो चुका है बताइए, हमने तीनों सीरीज में आखिर किस तरीके से डेटा को रिप्रेजेंट किया जाता है ये हमने अभी देख लिया। ठीक है, इस तरीके से आपको बहुत सारे डेटा दे रखे हो सकते हैं और आपको कहा जा सकता है कि आपको जो है तीनों सीरीज में क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। देखिए इसमें आपको बहुत कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, एमबीबीएस और बोले तो आपके जो रॉ डेटा है मतलब जिस तरीके से आपसे यदि पूछा गया है और डायरेक्ट लिखा जाता है, इसमें कोई फ्रिक्वेंसी नहीं होती। इसमें क्या होता है बताइए मुझे, ये होता है एक तरीके से वेरिएबल, वेरिएबल की जगह पर ये मार्क्स और इसकी जगह पर कुछ भी हो सकता है और ये आपका हो गया फ्रिक्वेंसी। तो जिसमें एक्स और एफ होता है एक तरीके से, क्योंकि इसको मैं यदि वेरिएबल मान लूं तो इसको एक्स मान लिया, एक्स की जगह पर कभी मार्क्स हो सकते हैं, कभी कुछ हो सकता है, कभी कुछ हो सकता है। तो इस तरीके से ये दोनों की वैल्यू जिसमें होती है उसको हम लोग कहते हैं अनग्रुप डेटा। और जब आप इसको आगे बढ़ेंगे तो इसी का नाम हो जाता है डिस्क्रीट सीरीज। ठीक है, जब आप 11th इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे या वहां पे स्टैटिक्स में पढ़ेंगे तो इसी का नाम हो जाता है डिस्क्रीट सीरीज, जिसको कहा जाता है, या फिर आप इसको अनग्रुप डेटा भी अभी टेंथ के सिलेबस के लिए हम लोग आराम से जानते हैं। चलिए ठीक है, उसके बाद ये आपका हो गया ग्रुप डेटा, या इसका नाम होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन
सीरीज, ठीक है, ग्रुप डेटा या हम कहते हैं इसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। तो इसमें होता क्या है, क्लास होता है और वो फ्रीक्वेंसी होता है। तो क्लास में क्या है, जैसे 0 टू 5 ले लिया। हाँ एक चीज देखिए, आपका ये कहना हो सकता है कि आखिर सर आपने 0 टू 5 क्यों लिया। देखिए एक चीज आप बहुत ही सिंपल सा बात समझिए कि हमारे पास जो ये डेटा है, डेटा के अंदर चूंकि क्या है, सिर्फ हमारे पास कितने डेटा है बताइए मुझे, 22 ही डेटा है। तो 22 डेटा है, कम ही डेटा है और दोनों के बीच का गैप भी थोड़ा कम है। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पे क्या कर लिया, सिर्फ 5-5 का इंटरवल ले लिया। तो ये इंटरवल जो है ना अकॉर्डिंग टू डेटा लिया जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको ज्यादा से ज्यादा बहुत सारा डेटा होता, मान लीजिए 100 डेटा होता, तो आप क्या कर सकते थे बताइए मुझे, फिर 10 का इंटरवल लेके आराम से बना सकते थे। अभी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, आपके बुक का भी मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगा, ठीक है। एक दो क्वेश्चन जो है इसके ऊपर मैं आपको कराऊंगा, सारा कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। बस आपको इतना सा ध्यान में रखना है कि डेटा आपको पहचान लेना है कि आखिर किस तरीके से डेटा दिया हुआ रहता है। तो किस सीरीज, इसका नाम क्या होता है, इंडिविजुअल डेटा, और जिसमें फ्रीक्वेंसी और एक्स की मांग दी होती है, एक्स की वैल्यू दी होती है, उसको कहते हैं हम लोग अनग्रुप डेटा। और जिसमें क्लास के साथ साथ फ्रीक्वेंसी भी दिया हुआ रहता है उसको हम लोग कहते हैं ग्रुप्ड डेटा, ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग ग्रुप डेटा। अब यहां तक बस आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए फिर हम लोग मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियोस के साथ, इसके आगे फिर जो भी है इसमें कंसेप्ट, फिर मैं हम लोग सारा कुछ उसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। यहां तक आपको बहुत अच्छे से यदि समझ आया है तो प्लीज आप जो है एक बार कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइए कि आपको इस तरीके के हमारे वीडियोस कैसा लगता है, ठीक है, आपको कितना समझ आता है, ठीक है। हाँ यदि आपको अच्छा लगता है तो प्लीज हमारे जो है चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि ये ज़्यादा बेनिफिशियल चीज़ें हैं। यदि आपके दोस्त को भी इस तरीके की वीडियोस का रिक्वायरमेंट होता है तो प्लीज़ आप उनके साथ भी जरूर शेयर कीजिए, ठीक है। और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिए कि हम रेगुलर रूप से क्या करेंगे, कहीं ना कहीं यहाँ पे अपडेट करते रहेंगे तो आपको तुरंत से नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और हम लोग जो है रेगुलर कम से कम टाइम पीरियड के अंदर जो है पूरी चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करने वाले, ठीक है। हाँ इवन आपको इस तरीके के यदि क्वेश्चंस में जैसे आगे चल के कोई यदि ऐसा कुछ डाउट होगा तो हम लोग जो है आपके लिए इस तरीके से जो है कोई एक ऐसा नंबर आपको हम लोग अलाउ करेंगे, देखते हैं पूरी तरीके से कैसे कैसे हम लोगों का अभी उस तरीके से हो पाता है फाइनलाइज। या तो हम लोग आपको व्हाट्सएप नंबर या फिर जैसे जो होगा टेलीग्राम मैसेज चैनल हमारा ऑलरेडी अभी बना हुआ है, लेकिन पूरी तरीके से अभी वहाँ पे हम लोग काम नहीं कर रहे हैं। तो जैसे आपके अभी बुक के क्वेश्चन होने स्टार्ट हो जाएंगे तो उस तरीके से फिर हम लोग वहाँ पे भी आपके साथ बिल्कुल पूरी तरीके से वर्क करना शुरू कर देंगे, ठीक है। अभी मुझे नहीं लगता है कि वहाँ पे आपको इस तरीके के टेलीग्राम चैनल का लिंक वगैरह फिर अभी नंबर देना जरूरी है, क्योंकि यहाँ तक आपको समझ आ चुका होगा। आगे की क्लास में फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियोस के साथ आपके साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोग बिल्कुल अभी सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, घर में ही रहिए, बाहर मत निकलिए, घर में ही पढ़ाई कीजिए, अच्छे से ज्ञान प्राप्त कीजिए, जानकारी दीजिए, जानकारी कभी खराब नहीं होता, इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, नॉलेज भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। और हमारे यहाँ सरकार एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ जो है वो बने रहे, ठीक है। चलिए आप सभी का बहुत